आज मैं नर्मदा पारा से क्रॉस हो रही थी, नर्मदा पारा गुड़ियारी जो वहां पे कृष्ण मंदिर है, जस्ट कृष्ण मंदिर के सामने तीन लेडीज पुलिस एक ही गाड़ी में विदाउट हेलमेट थे, तीनों अपनी गलती से गिर पड़े। उनके गिरने की वजह से मेरे में हर एक ऑटो वाले में इंसानियत जागी, हम लोग उनको उठाने के लिए रुक गए। वो ऑटो वाला गाड़ी साइड करके उनको उठाने गया, वो तीनों उठ के अपनी दादागिरी ऑटो वाले पे दिखाने लगे कि देख के नहीं चला सकता क्या ये वो करके तीन चार झापड़ उसको जड़ दिया। मैं उनको बोलने गई, मैडम आप ये गलत कर रही हैं, एक तो आप लोग तीनों एक ही गाड़ी में है वो भी विदाउट हेलमेट, तो ये गलत है, आप उस पर दादागिरी नहीं दिखा सकते। वो बोलती है कि तुम बिना पूछे वीडियो नहीं ले सकती हो, बिना पूछे फोटो नहीं ले सकती हो, और ऐसा बोल के वो मेरे हाथ से फोन छीनने लगी। वो फोन ऐसा छीनी, एक तो वो तीनों ऐसी धाकड़ थी हट्टी कट्टी मोटी, और वो छीनने लगी। मेरे पूरे हाथ में नाखून के निशान है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि खाती पीती नहीं हो तो ब्लड नहीं आया, लेकिन खरोच है हाथ में पांच छह जगह। तो वो मेरा फोन पकड़ ली और वो मेरा फोन दे ही नहीं रही थी, मैं इतना कोशिश कर रही थी वो मेरा फोन दे ही नहीं रही थी। मैंने थक हार के, मेरे को लगा अब तो मेरा फोन गया और ये टूट जाएगा और मैं गरीब दोबारा दूसरा फोन नहीं ले पाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है फोन लेने के लिए। तो मैं उनके हाथ पे काटी जोर का, जिससे वो मेरा फोन छोड़ दी और मैं अपना फोन बैग में डाली और भागी वहां से। तो मेरे को बस ये जानना है कि ये जो तीनों दादा लोग थे जो सिर्फ वर्दी के दम पे अपनी दादागिरी दिखा रहे थे उस कमजोर ऑटो ड्राइवर पे, तो ये जानना है कि उनके लिए कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, कि वो लोग इसी तरह दादागिरी दिखाते रहेंगे। मतलब हम बिना हेलमेट के चल रहे हैं, हम ट्रिपल चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। हमको सड़क में रोक दिया जाता है, जाने ही नहीं देते हैं, चाहे आप मर भी जाओ, आप बीमार हो या कुछ भी हो, मगर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो लोग पुलिस वाले हैं। देखते हैं उन लोग के साथ कुछ होता है कि नहीं होता। वैसे मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। और एक सलाह मैं सबको देना चाहूंगी कि भैया कभी किसी की हेल्प के लिए मत जाओ, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए कभी कोई नहीं आएगा। वहां पे इतने लोग थे, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, मगर मैं बोल रही हूँ कि भाई कोई तो हेल्प करो, मेरा फोन छुड़ाओ, कोई तो हेल्प करो। मगर हिजड़े तो नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि हिजड़ों के अंदर भी जबान होती है, वो बोलते हैं। वो सब मुर्दे थे, मरे हुए लोग थे, तो मैं मुर्दों से हेल्प मांग रही थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और कभी किसी की हेल्प के लिए मत जाओ, कोई मतलब नहीं है, आप अपने एल लगा रहे हो और कोई मतलब नहीं है, इसलिए कभी किसी की हेल्प मत करो, सबसे पहली बात। चलो देखते हैं क्या होता है, वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है उनके साथ कुछ नहीं होगा। आप गलत क्यों दीदी,